ये कुंडली किसकी है? मेरी बेटी की है। क्या बात है गुरुजी, क्या इसमें कोई दोष है? बहुत श्रेष्ठ है यह कुंडली। इस लड़की के जीवन काल में 19 साल में राजयोग आने वाला है। इस लड़की के साथ शादी करने वाला लड़का एक राज्य का राजा बनकर रहेगा। ऐसी बेटी ने जन्म लिया है आपके यहाँ, भाग्यशाली हैं आप, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं गुरुजी, मेरी बेटी पढ़ लिख कर अच्छे काम पर जाएगी, अच्छे पोस्ट पर काम करेगी, वो सेटल हो जाएगी तो मैं खुश रहूंगा, यही मेरा सपना है। अब आप कह रहे हैं कि वो शादी करके चली जाएगी, अगर मेरी बेटी की शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा गुरुजी? आप ही इसका कोई रास्ता ढूंढिए गुरुजी। आपकी बेटी के भाग्य में है ये सब, आप उसके पिताजी हैं, उसके पिताजी। सुनिए माले, आप मुझे एक बार काम देकर चैन से सो जाइए। आप अपना दिमाग मत खराब कीजिए, मैंने एक बार जुबान दे दी ना तो किसी को पता नहीं चलेगा ये एक्सीडेंट है या मर्डर है। भगवान को तो क्या, पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से घर में बैठकर दूध पीकर सो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यार फिल्म कैसी थी ये बता। यार एकदम डब्बा फिल्म है। ऐसा है क्या? ए तू किसके बारे में बोल रहा है, हमें समझ गया ना तू, ये फिल्म हमारे हीरो की जो है। क्या कर रहे हो यार? लोग फिल्में इसलिए बनाते हैं कि उसमें जो अच्छी बातें हैं उससे कुछ सीखा जाए, और तुम लोग रोड के किनारे कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो। छी सर, आप भी उनके फैन हैं क्या? हम इसे क्या सीखे सर? अपना सिर कभी किसी के सामने झुकाना मत, क्योंकि उससे बड़ा अपमान दुनिया में और कोई नहीं है। ओके बॉस। करेक्ट। भाई बारिश होने की वजह से जमीन खिसकी और सब कुछ बर्बाद हो गया यार। गांव, नदी, खेत, घर सबका सर्वनाश हो चुका है। खाने के लिए खाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमारे एमएलए यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या करूं यार? एमएलए साहब है कहाँ पर? है कहाँ पर? वो है कहाँ? आपको जरूरत पड़ने पर आप 3 महीने में एक बार, तो कभी 6 महीने में एक बार अपना रंग बदल देते हो। नोट दिलाकर, जनता से वोट मांगकर जीतने के बाद किसी रिजॉर्ट में जाकर अय्याशी की जिंदगी जीते हैं आप। आप जैसे लोगों को कुत्ते की मौत मारनी चाहिए। आप जीतकर कुछ अच्छा करेंगे, भला करेंगे, ऐसा सोचकर आपको जिताने वाले और आप पर भरोसा करने वाले हमारा किसान आज आंसू बहाकर घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। किसान ही हमारे देश की शान है। गणतंत्र दिवस पर इस तरह के भाषण देते हैं आप लोग। हाँ हमारे एमएलए ससुर जी को और उनके इलीगल बिजनेस को बस हमारे सेलफोन को रखकर सबके दिल को हिला के रख देता है, और अभी तुम हमारे विल पावर को टेस्ट कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बस चार जन की भलाई हो जाए इसी आवेश में 4 शब्द ज्यादा बोल दिए होंगे भाई। बेकार में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझ में आया क्या? और मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, दूसरी बार नहीं बताता, सिर्फ काट डालता हूँ। हमेशा के लिए जहन्नुम पहुंचा दूंगा तुझे, तभी सबको समझ में आएगा कि मेरे एमएलए ससुर जी के ऊपर हाथ डालने से पहले उन्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। इसके लिए जिगर चाहिए, और आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है
जो मुझसे लड़ सके, और तूने ये हिम्मत दिखाई। ओके वरुण, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। मैं तुम्हें डिस्चार्ज करता हूँ, तुम कल अपने घर जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मुझे एक हेल्प चाहिए थी डॉक्टर। हाँ बोलो ना। अगर उस लड़के का एड्रेस मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा सर। सॉरी वरुण, वो हम नहीं दे सकते। आकाश नाम का कोई एक लड़का है, उसकी पूरी डिटेल मुझे चाहिए। क्या बात है भाई, चलो तुम लोग पता लगा दो यार। रहने और खाने की औकात नहीं है, ऊपर से चिल्लर खेल कर पेट दिखाते हो। अरे मैं आता हूँ। पहले काम खत्म करो। ऑपरेशन ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। सुनो तुम्हें, ऑपरेशन शुरू। फॉलो मी। अरे इसे क्या हो गया? लवर। अच्छा, इतने दिनों बाद बार बार शॉप से आया है और सुदीप सर की तरह बिल्डअप दे रहे हैं। अबे आकाश की कहानी के बारे में बताओ, सुबह से बस बिल्डअप दे रहे हो तुम। आकाश की कहानी? हाँ बताता हूँ। बताओ। हनुमान जी जानते हैं राम की कथा। अच्छा? और मैं जानता हूँ आकाश की कथा। बताओ। आकाश बोले तो आकाश बोले तो आकाश। ये क्या कर रहे हैं? अरे आकाश के बारे में बताओ। अरे यार तुम लोग थोड़ा बहुत दान तो कर दिया करो, अगले जन्म में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगले जन्म की कौन सोचता है? अरे यार कम से कम ब्लड डोनेट तो कर देखो दिया भाई, करो। मैं तो कोई दान करने वाला नहीं हूँ, ऊपर से रक्त दान तो बिल्कुल नहीं। यार ब्लड डोनेट करने से कौन सा तुम्हें नुकसान होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। ए, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? शरीर में खून ही नहीं है यार। मैंने कहा है ना मेरे पीछे मत आना। अरे विद्या रुको ना, विद्या क्या हो गया तुम ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ो, मैंने कहा कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो प्यार प्यार करके मेरे पीछे पड़ गए। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्ही ने तो फेसबुक पर कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरे छू ऑडी कार है, जमीन जायदाद है, ऐसा बोल रहे थे ना तुम। और देखो तुम्हारे पास स्कूटर भी नहीं है। तुम भी तो कितनी झूठी हो, कहां मेडिकल शॉप में जॉब करती हो, वहां तो झाड़ू लगाती हो, कुछ भी बोलती हो। चलो अब चुपचाप। अब बहुत हो गया, फेसबुक पर अमीर जैसा स्टेटस लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो तुम। और देखो कैसे झूठ बोलते जा रहे हो तुम, झूठे कहीं। ये क्या बोल रही हो तुम विद्या? अब मेरी नजरों के सामने से चले जाओ वरना चप्पल निकाल के मारूंगी। जाओ जाओ यहाँ से। रुको विद्या सुनो मेरी बात। छोड़ो मुझे। सुनो ना विद्या मेरी बात सुन लो, मुझसे गलती हो गई। सुनो विद्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बात सुनो। बेचारा कैसे गुण बुला रहा है इस दुनिया में? फेसबुक नहीं फेकबुक हो गया है, साबित हो गया है, साबित हो गया है। ऐसा प्यार का नाटक तो मैंने कभी नहीं देखा यार। तो ये फेसबुक में प्यार करके शादी करने वाले थे क्या? बस करो, जब इंसान ही सही नहीं होगा तो फेसबुक क्या करेगा? अबे लड़की पटाएगा ना। हाँ यार अगर प्यार करना है शादी नहीं करना है तो फेसबुक में लव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब फेसबुक से लड़की पटा के शादी नहीं कर सकते है ना? चांस ही नहीं है यार। तो फिर ठीक है, मैं फेसबुक पे ही किसी लड़की को ढूंढूंगा और उससे धूमधाम से शादी करके तुम लोगों को गलत साबित करूंगा। और धोखा हुआ तो? तो फिर मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चैलेंज। चैलेंज ये क्या बोल रहा है? अरे ए आकाश, ए रुक जा, ए आकाश, अरे रुक तो जा, सुना। हाय एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है ये मैं नहीं जानता। आप कौन है मैं भी ये नहीं जानती। सवाल पे उल्टा सवाल। मेरा नाम है वरुण, मैं तेजी से भी बहता हूँ और स्लो भी बहता हूँ। सिंपली बोला जाए तो आप जैसा चाहोगी मैं वैसा ही बहूंगा। आपको मेरे पीछे आने की जरूरत? अरे ऐसा क्यों कह रही हो?
जमीन पर बारिश नहीं गिरेगी तो फसल कैसे उगेगी? आप है कौन? अरे मैं हूँ वरुण। अभी कहा था ना स्लो और तेजी से भी आ सकता हूँ। स्टॉप। आपको क्या चाहिए? वो क्या है कि कोई नेक काम करने के लिए मेरा दिल कर रहा था कि इतने में आप अचानक से मिल गई। बस उसी फ्लो में आपको फॉलो करने के लिए यहाँ तक आया था। पता चला आपके अंदर अच्छी अच्छी कलाएं हैं। अगर मैंने वो जान ली तो जनता की सेवा करने में मुझे और आसानी होगी। बस और कोई उद्देश्य नहीं था, बस आपसे मुलाकात करके आपकी दोस्ती पाकर एक अच्छा नेक काम करना चाहता था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? देखो मुझे आपसे फ्रेंडशिप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेकार में मेरे पीछे मत आइए, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मतलब नाम नहीं बताओगी ना? नहीं। एक प्यारी सी लड़की का नाम तक जान नहीं पाया तो इस जन्म में मर्द बनकर जीने से क्या फायदा होने वाला है? चिन्नो, कंफर्म हो गया। अब आगे से तुम्हारा नाम पूछकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम अपना दिमाग खराब मत करना। पूरा स्टॉक था, अभी पूरा क्लियर हो गया है। आहा। ए, क्या हुआ, तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो यार? आकाश के लिए फेसबुक पर लड़की ढूंढ रहे हो तुम लोग? मैं तुम लोगों से काम हो क्या? मैं भी ढूंढूंगा लड़की। अबे किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेज देना। ए, चल पागल है क्या, दिमाग की दही कर रहा है। चल अबे इधर देखो यार, जॉगर बिल्ली मिली है। देसी फिगर भाई, अपने आकाश के लिए मत जोड़िए। देखो नहीं चाहिए क्या? जाने दे, छोड़। जरा ठीक से चेक करके देखो, ज्यादातर अकाउंट लड़की के नाम से फेक अकाउंट होते हैं। लड़की के नाम पर लड़के लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे चाहो तो शंकर से पूछ लो, उसने लड़कियों के नाम पर पता नहीं कितने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके पता नहीं कितनी सारी लड़कियों को पटाया है, जानते हो? तुम्हें लड़की चाहिए ना? ठीक है रहने दो, मैं लड़कियों को बोलता हूँ। आंटी भी कभी कभी मिल जाएगी, पूरा दिमाग खराब कर देगी। डोंट वरी मेरे यार, मेरे फेसबुक अकाउंट में बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं अच्छी लड़की ढूंढूंगा, तू शादी कर लेना, फिर रात यहीं पर बिताना। इसके लिए लड़की ढूंढता हूँ। गाइस वो मिल गई। अरे इसमें तो भूमि नाम है उसका। अरे इसमें तो फोटो तक नहीं है। अरे ये तो रेड कलर का फ्लावर है बेटा, ये एंजल नहीं है, डेंजर है। मैंने तो फिक्स कर लिया है, अब से यही मेरी लाइफ पार्टनर है। नहीं मेरे दोस्त, चेहरा देखने के बाद आत्महत्या न करनी पड़े तुम्हें। जिस लड़की के बाल सोने जैसे हो वो लड़की तो सुंदर ही होगी। अरे यार, चलो चलते हैं, जो करना है करें। टाइम पास कर रहे हैं। हाय चिन्नू, तुम यहाँ कैसे? व्हाट अ कोइंसिडेंस है ना, उस भगवान ने कहाँ कहाँ क्या छुपा के रखा है कुछ भी हमें पता नहीं। अरे रुक जाओ ना भगवान, मुझे क्षमा करना। अरे चुनो, मेरे पीछे पड़कर मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा था ना कि हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे, तो चलो ना कहीं बैठकर सुख दुख बांट लेते हैं। तुम कौन से फ्रेंड हो मेरे? अरे भगवान ने मिलाया हुआ एक फ्रेंड समझ लो। ऐसा नहीं सोच सकते चुनो, अगर ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा, हमारा संबंध आगे कैसे बढ़ेगा? स्टॉप, स्टूपिड जैसी बातें मत करो। क्या हुआ चिन्नू, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? देखो मुझे चिन्नू मत बुलाओ, मेरा नाम चिन्नू नहीं भूमि है। भूमि, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। ये भूमि है और मैं बारिश, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अरे थोड़ी सी बारिश में फसल थोड़ी ना उगेगी। अरे तुम मुझे बेकार में परेशान क्यों करते हो? एक्चुअली चिन्नू नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो अगर तुमने चिन्नू नाम से फिर बुलाया तो मार दूंगी। अरे चिन्नू, भूमि, धत तेरी, ये लड़कियां बहुत प्रॉब्लम देकर क्यों चली जाती हैं? मेरे एमएलए ससुर जी की नजर जिस पर पड़ती है, फिर चाहे वो लड़की हो या जमीन, वो उनकी ही होकर रहती है। सबको चुनके कदमों पर चाहिए। अगर तुम्हारे ससुर ने मेरे साथ डील नहीं किया तो देख लेना, काट काट के रख दूंगा एक एक को। मैं अपनी बाप की तरह साइलेंट नहीं हूँ, टेरर हूँ। ए सोन, तुझे प्यार से समझाने के लिए आया हूँ कि तुम दबा कर भाग जा, नहीं तो यही जमीन में गाड़ दूंगा। तुम्हारे चिल्लाने और धमकी देने से मैं दूध पीता बच्चा नहीं जो डर जाऊंगा। ये मेरा एरिया है, अगर ज्यादा बोला ना तो इधर ही जमीन में गाड़ दूंगा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। Thank you.
देखो जरा कितनी सारी लड़कियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, कुछ अता पता नहीं, उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं? अगर तुम ऐसा करोगी ना, तुम्हारे फेसबुक अकाउंट में 100 भी फ्रेंड नहीं होंगे। एक लड़की के फेसबुक अकाउंट में 2000 फ्रेंड लिस्ट नहीं हुए तो वो लड़की के नाम पे कलंक है। अरे छोड़ो, इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद कभी कभार शादीशुदा आदमी भी आकर मंगलसूत्र पहना देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगी? हाँ अबे बुद्धू, ये तो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट है, कोई शादी करने के लिए नहीं कह रहा है। बस यूं ही सबको ओके करना चाहिए और क्या। सोनी नहीं, प्लीज मत करो यार। अरे कुछ नहीं होगा भूमि, तुम चुप रहो। हाँ नहीं सोनी, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो प्लीज। भूमि, लड़कियों की इज्जत को बचाना है ना, सोनी से इंस्पायर हो जाओ, नहीं तो फ्रेंडशिप वेस्ट हो जाएगी। अरे चुप रहो, अगर किसी ने तकलीफ दिया तो उसे ब्लॉक कर देंगे, बस इतना ही। खिलाकर पूरा रूम हिला दिया तूने तो। नहीं, तू गलत सलामत दे यार। अरे फ्रेंड रिक्वेस्ट ही तो एक्सेप्ट किया है। देख भाई मेरी बात सुन, होशियारी में रहना, लगता है तूने जल्दबाजी में अपना दिल दे दिया है। अभी तो तुझे उसे इम्प्रेस भी करना है। तू उसको ऐसा मैसेज लिख कर भेज कि वो मैसेज पढ़कर सीधी भागती हुई आ जाए। ए, पहले जाकर अपनी चड्डी पहन कर आओ। इस पागल के चक्कर में चड्डी पहनना भूल गया। याद नहीं रहता, सजेशन दे रहा है। देखो तेरी आंखों को है कितनी हसीन, ये तेरी सूरत बस गई है मेरे दिल में। रहूं तेरे संग हर लम्हा, बीते हर पल तुझ में। रब ने हमें बनाया है एक दूजे के लिए, तू ही मेरी है दुनिया ये। देखो तेरी आंखों को है कितनी हसीन, ये तेरी सूरत बस। सोनी की बातों में आकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, अभी देखो क्या झेल रही हूँ। दोस्ती करने के अलावा दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? इन मैसेजेस को पढ़ने से अच्छा कि अपना टेस्ट वेस्ट पढ़ लिया जाए, कम से कम मार्क्स तो अच्छे आएंगे। फेसबुक पे है मॉडल सारी, तू लगती है सबसे प्यारी, तेरा ही इंतजार करे आंखें मेरी। तेरी बातें दिल को सुकून दे, जीने का मुझको जुनू दे, रहे साथ मेरे तेरी यादें। तुझको ही बस सोचे दिल मेरा हर घड़ी, लगता ना मन को है कितनी हसीन, ये तेरी सूरत बस गई है मेरे दिल में। लड़का मतलब उसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लड़कियों की भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए, उसके दिल में हमारी याद भर भर के रहनी चाहिए। अच्छा देखो, जैसा तुम सोच रहे हो शायद वैसा ही है। चलो मैसेज करो जरा। हर पल तू जरूरी मुझको, दिल मेरा बस चाहे तुझको, तेरे बिना मैं तो हूँ अधूरा। तू है तो दिल को है राहत, तू ही है इस दिल की चाहत, बिन तेरे मैं जीना पाऊंगा। तुझसे ही दिल मेरा, तुझसे मेरी रातें, चाहूँ बस हर लम्हा संग मेरे, तेरे सिवा ना कोई है मेरा। क्या बात है, तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। लाइटली लव शुरू हो गया है भाई। लव लाइट में नहीं रहना चाहिए, ज्यादा हुआ तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बहुत अच्छी लड़की है,
रहूं तेरे संग हर लम्हा बीते हर पल तुझ में। रब ने हमें बनाया है एक दूजे के लिए, तू ही मेरी है दुनिया ये, माने ना दिल तेरे बिना रे, मेरा वजूद तू जरूरत मेरी। क्या कर रही हो तुम इस समय अकेले सीरियस खड़े होकर यहाँ सिग्नल का वेट कर रहे हो ना? मतलब कुछ तो मैटर है। उस मैटर का नाम है भूमि, यू नो। भूमि, ये कौन है? अरे उसने मुझसे शादी करने के लिए ही जन्म लिया है, तुम्हारी भाभी। ओ तो ये मैटर है, तो आजकल भैया को प्यार हो गया है क्या? मैंने कितना भरोसा करके तुम्हें सीक्रेट बताया, अब तुम ढोल पीट पीट कर पूरे गाँव में मत बता देना, समझी? ठीक है बाबा, सीक्रेट रखेंगे। वैसे लड़की देखने में कैसी है? मेरी भाभी बनने के काबिल तो है ना? ओह कोई बात नहीं, शर्माओ मत, बताओ ना। ए, शर्म वरम कुछ नहीं है समझी, देखा नहीं तो पता कैसे चलेगा कैसी दिखती है। What? बिना देखे प्यार हो गया? दिमाग खराब हो गया है क्या? इसी वजह से मैं कुछ बता नहीं रहा था, जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है भैया, पहले उसका चेहरा देखो, उससे मिलो, बात करो, उसके बाद ही शादी का प्लान बनाओ। मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, भूमि सच में मेरे लिए ही इस धरती पर आई है। तथास्तु। हे, भाग यहाँ से। देखना पक्का वो डायन निकलेगी। अरे कब मिलोगे कब मिलोगे, जब देखो तब फोन करते रहते हो। दूसरे लड़कों को भी तो टाइम देना पड़ता है ना। मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अभी फोन रखो। क्या हुआ, तपस्या कर रही हो क्या? वो आकाश फोटो भेजने के लिए बोल रहा है। कपड़े के साथ या बिना कपड़ों के? ए, ये क्या बोल रही है? इसमें क्या रखा है, चिंता क्यों कर रही हो? कुछ लड़के 2 दिन के बाद पूछते हैं, ये 15 दिन के बाद पूछ रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है तुम्हें भी प्यार हो गया। प्यार करने से पहले कुछ भी हो, एक दूसरे के चेहरे को अच्छे से पहचान लो, फोटो भेजो और जाके मिल लो बुद्धू कहीं की। क्या बात है भाई, ट्रेडिशन मतलब, देखो तो अल्ट्रा मॉडर्न दिख रही है। बाहर की सुंदरता में कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए। अरे ये तो पहले ही काले मन वाला है, ये क्या जानेगा प्यार क्या होता है। तू लगे रहे? कुछ भी कहो, लड़की देखने में एक नंबर की आइटम लगती है। अरे यार चुप करो, ये शादी करने वाला है। अरे ये खुद अमूल बेबी की तरह दिख रहा है, तू इसे क्या सलाह दे रहा है? अमूल दूध को ऐसे ही छोड़ा तो उबलकर निकाल देगा लगता है। मैं यहाँ आया हूँ ये बात तुम्हें किसने बताई? और कौन बोल सकता है, तुम्हारा क्लोज फ्रेंड। ओ तो ये बात है क्या? अपना वरुण है बे। आई क्या बात है यार? ये कहाँ हो तुम लोग, इस पगली को मेरा नंबर किसने दिया? मैंने ही दिया। अरे कमीनो, सड़क के जानवरों, तुम लोगों में जरा भी इज्जत नाम की चीज नहीं है। मैं गाँव आया हूँ, इस बात को ढोल बजा कर पूरे गाँव को बताने की क्या जरूरत है? मेरी इज्जत की धजिया उड़ाने पर क्यों तुले हुए हो तुम लोग, मेरे दुश्मन हो या दोस्त? अरे क्या है ये, मुझे इतनी गाली क्यों दे रहे हो? तो और क्या, तुम्हारी तरह गाँव वालों की बाकी लड़कियों को भी पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। हाँ सही कहा, इधर दो। लो लो। हेलो। अबे पागल कहीं के, तेरे चेहरे को चूहे काट ले समझा तू? तेरे हाथ और पैर चूल्हे में चले जाए। कोई कहीं भी जाए कैसे भी जाए, तुझे उससे क्या मतलब? क्यों दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करता है तू? हाँ दीदी, तू अपना चेहरा देख इस धरती पर बोझ बन के जी रहा है तू? जिसके पास काम नहीं होता है वो यही करता है। तेरे को ऐसी लड़की की जरूरत है? छोड़ना यार। पता नहीं क्या हो गया इसको, समझा? सॉरी यार। अरे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां दर्शन की फैन है और वो उसकी बॉस फिल्म फर्स्ट शो फर्स्ट गैलरी में बैठकर देखेंगे। हाँ यार सही बोला। ए तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोल के 3 टिकट मंगवाओ ना। मैं उससे बोलूं? वो तो खुद कहता रहता है कि मुझे टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली। मुझे देगा वो?
इसका मतलब इस बार फिल्म कैंसिल ना? कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसका मतलब इस बार फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाएंगे ना? देखना चाहिए। फिर तुम मना कर रही हो। ऑनलाइन टिकट अवेलेबल है क्या? देखना जरा। जल्दी चेक करना। अरे यार, दो ही टिकट है। ऐसा है, चलो हम दोनों जाते हैं, भूमि नहीं जाएगी। सही कहा ना भूमि? हाँ सही कहा। मैंने कहा था ना, चलो चलते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं। भूमि कितनी अच्छी है ना, हमारी भूमि हमारे लिए कुर्बानी दी। ए, रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो? कुरुक्षेत्र देखने के लिए। फिर मैं? तुम तो नहीं आने वाली थी ना? बाय। अरे मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगी? अरे यार, प्रॉब्लम, टेंशन। मुझे आकर कोई 10,000 दे दे तो अच्छा होगा। दे दो। hey, क्यों इस तरह से नाटक कर रहे हो? 10,000 की जरूरत है ना तुम्हें? रुको, मैं ट्रांसफर करता हूँ। ट्रांसफर? अरे आकाश, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, उसे पैसे मत दिया करो। कितनी बार बताना पड़ेगा, पैसे क्यों दे रहे? तेरा मुंह बंद रख, चल भाई, तुझे मैं समझाता हूँ। इधर रुको, तुम ज्यादा चालाक मत बनो। अरे तू जा ना मोटू, इसे ट्रांसफर मत करो। चल भाई, समझाता हूँ। रुको यार। अरे आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? मुझे प्रॉब्लम होती तो आप मदद नहीं करते क्या? यह दोस्तों के बीच का मामला है। मेरी बात तो सुनो तुम। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए दोस्त बहुत जरूरी है, और दोस्त ही दोस्त की मदद करता है, जैसे मैं इसकी मदद करूँगा। आकाश? हाँ हाँ, आकाश तो हीरा है। भाग यहाँ से, अपने ही दोस्त को लूट रहा है। तू तेरी जिंदगी पर। खाना कैसा लग रहा है? अरे तुम्हारे लिए बनवाया है, खाओ। अरे माँ, बस मुझे नहीं चाहिए। पैसा दोस्त को देने से अच्छा है किसी बैंक में जमा कर देता, ब्याज तो आते। पैसे कहाँ भाग कर जा रहे हैं माँ? अरे वही 10,000 अपने तकलीफ में काम आएगा ना। माँ, अगर दोस्त रहेंगे ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो 100 प्रॉब्लम्स की एक ही मेडिसिन है, और वो क्या है? फ्रेंड्स। सही कहा भैया। अरे ऐसा नहीं, पैसे देने के बाद पैसे वापस भी तो चाहिए ना। क्या माँ, तुम मेरे दोस्तों पर भरोसा क्यों नहीं करती? भैया, माँ के जमाने में प्यार के बारे में सोचती तो बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स लोग ही लड़की को अगवा करके ले जाते थे, इसलिए माँ को भरोसा नहीं। अच्छा ये बात है क्या? फिर तो बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। चुप रहो, अक्कल सिखाने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ। मुझे अक्कल नहीं है, आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। क्या बात है, नया घर बदलते ही सब कुछ सेट हो गया? हाँ पापा, फ्रेंड्स के साथ चैट कर रही हूँ। हाँ करो, कोई मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। मेरा सपना है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊँ, समझी? हाँ मैं जरूर बनूंगी पापा। अरे भूमि जरा रुको ना, क्या हुआ? मुझसे बिना बात किए ऐसे ही चली जा रही हो? आजकल की लड़कियों के दिल में रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। रहम दिखाने के लिए मैं कोई रिश्तेदार हूँ क्या तुम्हारी? एक्चुअली तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। महादाई पानी के बारे में या कावेरी पानी के बारे में? नहीं नहीं, वो सब नहीं, दरअसल कृष्णा के विचार के बारे में। सुनो। ऐसा है तो बोलो। तुम्हारी और मेरी सोच एक ही है, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ मिलने का। कब आए तुम यहाँ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे ये बताओ, मैं 2 दिन तुम्हें दिखाई नहीं दी तो आंटी के पीछे पड़ गए तुम? अरे भूमि, अरे रुको ना, एक लड़की यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। फोन करना भी याद नहीं रहा। चलो कनेक्ट हो गया, अब मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो, मेरा तुम्हारा नंबर किसी से मांगा है, तुम अपना पर्सनल नंबर दो ना। अपना नंबर नहीं दूंगी। प्लीज जानू, दे दो ना। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं नंबर नहीं दूंगी। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम एक नंबर के झूठे लगते हो। एक बार नंबर दो, फिर मैं क्या करता हूँ देखो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकाउंट नंबर देती हूँ, तुम पहले 1,000 रुपया भेजो, मैं उसके बाद तुमको अपनी फोटो भेजती हूँ। ठीक है, अकाउंट नंबर भेजो। ठीक है, मैं मैसेज बॉक्स में नंबर भेजती हूँ। अरे वाह, लड़की के नाम पर फेसबुक अकाउंट खोला तो मजा आ गया। क्या बात है, अब मेरी 1,000 रुपए की कमाई पक्की। आहा, अब मैं जितने लड़कों को फंसा सकता हूँ फंसाऊंगा, नालायक लोग सबके पैसे लूट लूंगा। जाने मन, वो तो बहुत सही कह रहा है यार। अभी दोनों ए उधर देख भूमि। तालुका ऑफिस जाकर मैंने आपके बारे में सारी बात बताई है। 2 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स देने की बात की है। थैंक यू बेटा, मैं चलता हूँ। हाय, आई एम रियली सॉरी। वो मेरे रिश्तेदार की बेटी है तो उससे शादी थोड़ी ना कर सकता हूँ। वो थोड़ी सी पागल है, हमेशा मेरी जान खाती रहती है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे कोई संबंध नहीं है। क्या
संबंध नहीं है मतलब, चलो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखना, जाते वक्त अगर पलट के देखा तो संबंध है समझ लेना, और बिना पलटे यूं ही चली गई तो कंफर्म लव है ये समझ लेना। अलर्ट पलट के चली जाएगी तो? तो ऐसा करने से अच्छा है कि इधर ही ठहर जाओ। ना बोल रही हो क्या? चलो छोड़ो, मैं खुद ही चला जाता हूं। देखो माँ जी, दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है, आप कहें तो शादी की तैयारी हम करा सकते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल सोना जैसा है, जब तक वो है मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा बेटा है। शादी हम धूमधाम से करेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। भाई का असली धर्म तभी पूरा होता है जब वो अपनी बहन की शादी कराता है और उसे धूमधाम से विदा कर देता है। शादी की देरी की वजह से हम बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी बहन को घर से विदा तो करना ही होगा ना। देखो बेटे, वो लोग अच्छे लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, आप लोग बेकार में चिंता मत करें, आपकी बहन बहुत अच्छे से जिएगी। अभी मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। थैंक यू अंकल। माँ, मेरी प्यारी सी बहन की शादी के लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, मेरी बहन राजकुमारी की तरह दिखनी चाहिए। देखो, तुम्हारे भाई को भले ही गुस्सा करता हो पर प्यार भी उतना ही करता है तुमसे। मैं भी ऐसी ही हूँ, प्यार होने की वजह से तो हम लोग लड़ते हैं ना, है ना भैया? अरे कुत्ते को किसने खुला छोड़ा, बाहर निकालो इसे। ये वर्दी तुम्हारी हिफाजत करती है, जब तुम्हें लोग घेरेंगे तब यही वर्दी तुम्हारे काम आएगी। जो भी पुलिस वाला हफ्ता लेता है आज अय्याशी की जिंदगी जी रहा है, तू बोले तो तेरे लिए भी एक पैकेट भिजवा दूं। देखो, आगे के 24 घंटों के अंदर तुम्हें अपने सारे काले धंधे बंद करने पड़ेंगे, वरना तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। हंस क्यों रहे हो? तुमने जो 26 खून किए हैं उनमें से एक का भी क्लू मिला तो तुम जेल में, और फिर मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं कौन हूँ जानता है क्या? एमएलए का दामाद। तुम अपने ससुर की मदद से मेरा ट्रांसफर करवाओगे, तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। मेरे ससुर को टेंशन होगा तो तुम्हारा ट्रांसफर होगा, और अगर मुझे टेंशन हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें मार डालूंगा मैं। अभी एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि कौन किसे कहाँ ट्रांसफर करता है, समझ गया ना? मुझे आपसे मिलने का दिल कर रहा है, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या हम इस संडे मिल सकते हैं? अरे बाप रे, इतनी जल्दी? ठीक है, रहने दो, छोड़ो, हम अगले साल मिल लेंगे। अरे बाप रे, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती या कुछ और बात है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं ना? ठीक है, मिलती हूँ। इस संडे गोकुल रेस्टोरेंट में मिलें क्या? ओके, बाय। ओके, बाय बाय। सब लोग एक जैसे होते हैं, मुझे नहीं पता है क्या? हे भगवान, अब तुम्हें ही बचाना होगा। सोनी, क्या हुआ? वो क्या है ना, क्या हुआ? आकाश ने मीटिंग के लिए बुलाया है। तो जाकर आओ ना, लड़कों का हमेशा का नाटक है, इतनी सी बात के लिए मेरी परमिशन क्यों चाहिए? अरे परमिशन नहीं, वो क्या है कि रूम में बुला रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कोई फ्लॉप फिल्म दिखाने के लिए बुलाया होगा, है ना? अरे नहीं यार, उस दिन अपनी फोटो भेजने से डर लग रहा था तो मैंने तुम्हारी फोटो भेज दी, उस वजह से। क्या, तुमने मेरा फोटो भेज दिया? अरे यार, अभी जितने लड़के उन्हें ही नहीं संभाल पा रही हूँ, ऊपर से एक और परेशानी डाल दी तुमने मेरे सर पे, ये भी कैसी लड़की है। ओ मेरी माँ, ये देखो मैंने अपने दोनों फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं, अगर ऑन कर दूँ ना तो मिनिमम 20 फोन आ जाएंगे अभी। वैसे भी कॉल करना छोड़ के लड़कों के पास काम ही क्या है,
जब देखो तब मैसेज और कॉल करके पकाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है यार, तुम बुरा मत मानो प्लीज, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अब क्या करने के लिए सोच रही है तू? तुम भी मेरे साथ आ जाओ ना, कुछ मिस्टेक हो गई तो ऐसा बोलकर हम संभाल लेंगे। ठीक है चल, मैं आती हूँ। और अगर तुझे चाहने वाला लड़का आके मुझे पसंद कर लेता है तो मुझे मत बोलना, उसके आगे का मैं देख लूंगी। अरे दिल पे मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कहाँ हो? अरे यार आज संडे है, तुम लोग ऑफिस ऑफिस बोलकर मार डालोगे मुझे नालायक। जिंदगी में तुम लोग मेरी तरह खुशी से जियो, तू निकम्मे लोग। रखो फोन। अरे बाप रे बाप, ये फेसबुक का लड़का अभी कॉल कर रहा है, अभी मुझे लड़की की आवाज बदल कर बात करनी होगी। हेलो हेलो हेलो, कैसी हो जानू? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे तुम्हें मिले बिना चैन नहीं मिल रहा है, कभी मिलोगी तुम? मैं तुमसे मिलने आती पर क्या करूँ, अच्छे कपड़े नहीं है। अरे क्या कपड़े नहीं है? मैं लहंगे में खड़े हूँ। हाँ ऐसा है क्या? अरे तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ मैं, मिलो ना प्लीज। नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में 500 रुपए डालो, मैं कपड़े खरीद कर पहन कर आती हूँ। अरे बिना कपड़ों के मिलने में मजा ही कुछ और है, जल्दी से आ जाओ ना। मैं नहीं दिखा सकती। अच्छा क्या हुआ तुम्हारे बदन को? मैंने 500 रुपए मांगे तो तुम ऐसे बोलोगे? अरे मैं देता हूँ ना, पैसे भेजो, बाद में लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है भेजता हूँ, पहले अकाउंट नंबर भेजो। ठीक है भेजती हूँ जानू, बाय। ये तो मजा आ गया, अब मैं अगले जन्म में लड़की बनकर जन्म लूँ तो मजा आएगा। अरे वाह वाह वाह, जल्दी भेज गधे, जल्दी भेज 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 भेज। ए बेवकूफ, लड़कों को हमारे लिए इंतजार करना चाहिए, यही तो हमारे रूल्स है ना। और तू बेवकूफ 1 घंटे से यहाँ बैठ के इंतजार कर रही है। वो क्या है कि उसने 5 बजे के लिए बोला था, पर टेंशन में तुम्हें 4 बजे ही यहाँ लेकर आ गई। तुम्हारी टेंशन को मारो गोली, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें मैं अपने प्रॉब्लम्स कैसे समझाऊं? मेरे पीछे तो सारा गाँव पड़ा हुआ है, अगर उनमें से किसी ने भी मुझे यहाँ पर देख लिया तो जबरदस्ती पीछे ही पड़ जाएंगे। तुम समझोगी नहीं मेरे प्रॉब्लम्स। बेबी, शिट शिट शिट, आ गया, देख लिया। हाय बेबी, यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, तुम यहाँ आने वाले हो, आकाशवाणी हुई थी इसलिए आ गई। ये तो अच्छा हुआ, चलो चलते हैं ना। हाँ चलो, मना कर दूंगी तो तुम छोड़ दोगे क्या? अरे यार मैं तुमसे बहुत दिनों से मिलना चाहता था। देखा ना, तुम्हें बताया था ना मैंने। रुको ना प्लीज, रुको, छोड़कर मत जाओ मुझे। क्या करो यार, रुक जाओ, मुझे जाना ही पड़ेगा, कैसे भी मैनेज कर लो। अरे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर, रुक जाओ ना। चलो बाय, चलो तुमको एक रोमांटिक जगह ले चलता हूँ, चलो पार्टी करेंगे। भूमि बाय, मुझे अकेला मत छोड़कर जाओ यार। भूमि भूमि भूमि, हाय, आप भूमि की दोस्त हैं? हाँ। उसी ने मुझे यहाँ पर 5 बजे आने के लिए कहा था और मेरे आते ही वो चली गई। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? भूमि की बात और हरकत में कोई संबंध ही नहीं है, कितनी बार मैं खुद देख चुका हूँ, वो किसी दूसरे लड़के के साथ घूमती रहती है, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ। वो कैसी भी है जाने दो, ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, ये बोलने वाले आप कौन? क्योंकि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ, उसे शादी करके उसे खुश रखना चाहता हूँ। सच में? लेकिन उसका बर्ताव ऐसा ही है, ओपन माइंडेड है, अगर आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो। छोड़ देने के लिए या फिर से प्यार करने के लिए, ये कोई खेल थोड़ी ना है, एक बार जिसे प्यार हो गया मैं उसी से शादी करूंगा। भूमि से तुम इतना प्यार करते हो? उसका बर्ताव और उसके विचार, यही देखकर मैंने उसे पसंद किया और उसे प्यार किया है। मुझे लगता है आपका नेचर भी वैसा ही है, और दिखने में अगर आप जैसी होती तो हम दोनों की जोड़ी अमर होती। हाँ, मेरी तरह? हाँ हम दोनों की। अच्छा मैं कुछ लाया था भूमि के लिए, मैं चॉकलेट लाया था, ये हाँ, उसे दे देना प्लीज। ठीक है, वैसे तुम उसे मेरे बारे में बताना प्लीज, उसका दूसरों के साथ घूमना मुझे पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, उसे बता दूंगी। आप जैसी लड़की उसकी दोस्त है वो पक्का बदल जाएगी। कम्युनिकेशन के लिए क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? थैंक यू। 9997846666।
वैसे आप लव करते हो, ये बात भूमि को बताया क्या? मैं उसे यही बताने के लिए आया था, लेकिन आप ही बता देना अब। वैसे आपका नाम क्या है? चीनू। थैंक यू, बाय। इसमें कोई एतराज नहीं है। पहले उस लड़की को ले आओ, अगर मैं उसके साथ शादी करूंगा तो मेरा सीएम बनने का सपना जो है वो पूरा होगा। और वैसे भी वो लड़की दिखने में तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन 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 क्या दिल छोटा क्यों करते हो? ससुर जी को ये शादी मंजूर है पंडित जी, और मीडिया ऐसी खबर पाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। अगर पब्लिक के सामने हमारी इज्जत उछल गई ना तो MLA का पद जाएगा। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर इज्जत उछल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे पंडित जी। ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले शादी हो जाए उसके बाद कुछ बात करेंगे। भले ही वो दुल्हन की तरह साथ में ना रहे, लेकिन रखेल बनकर रह सकती है ना। अरे गलत बात मत कीजिए गुरुजी, वो मेरी होने वाली बीवी है। अब देखिए आपके चेहरे पर कितनी रौनक दिख रही है। ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है, लेकिन ये शादी शांति से हो जानी चाहिए पंडित जी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, समझे? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप लोग आराम से रहिए। तो फिर जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। अरे सुन दोस्त, तूने आज भूमि से मुलाकात की ना, मैं आज अपने पैसे से दारू पी कर आ रहा हूँ। तूने आज मुझे दारू नहीं पिलाई, समझ ले। अभी तो तूने पी लिया ना, चल चलते हैं। आकाश देख, भूमि से मिलने की खुशी में तूने दारू नहीं पिलाई, लेकिन सुहाग रात की खुशी में दारू पिलाएगा ना। अच्छा ठीक है, चल पिला। अरे सुन ना दोस्त, तू उससे मिलेगा या टचिंग करेगा या किसिंग करेगा या एक्सेट्रा कुछ करेगा। अब बहुत हो गया। ए जा जा, तेरे तो बकवास कर रहा है। फर्स्ट नाइट की क्या बात कर रहा है, लास्ट नाइट भी नहीं होगी, समझ गया क्या? मेरी बात सुन ले। क्या हुआ, सब ठीक हुआ ना? हाँ यार, सब कुछ ठीक ठाक है। क्या रेस्टोरेंट में पूरा काम हो गया? अरे यार, बस फोटो दिखाकर कन्विंस किया। अरे यार, बहुत बढ़िया। अब चुप रहो, हो गया। अरे कहीं तुम आकाश से मिलने के बाद मुझे फसाना दो ये कहकर कि मैं भूमि नहीं हूँ, वो भूमि है। बाद में किस होटल में हूँ ये सोचकर मैं घबरा गई थी। मैं क्यों अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हारे लिए कुर्बान करूँ, वो सब सीन ही नहीं है। भूमि जरा इधर आओ। कल तुम उस काम के लिए रेडी हो ना? कल क्या है ऐसा? चौथा दिन है फोटो, पहला दिन नंबर, दूसरा दिन डेटिंग, तीसरा दिन और चौथा दिन पता है ना? चौथा दिन मतलब? अरे चौथा दिन बोले तो वही वही। अरे चुप रहो। अरे बदन में बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो साला टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है यार, ये पता नहीं क्या लगाया। हाँ आकाश, वहाँ देख तेरी फेसबुक वाली भूमि। वो भूमि नहीं है। अरे रे वो भूमि है, देखना, वो सच कर रहा हूँ, देखना। भूमि यहाँ पर क्यों आई? वो तो पीछे में होगी ना यार। ए, वो भूमि नहीं है, चलो। मेरी बात तो सुन। अरे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सच में भूमि है यार, क्या करूँ मैं, मेरी बात का विश्वास नहीं करता। अरे रुक जा, मैं आता हूँ। अरे इसके पीछे पीछे भाग कर थक गया मैं। हेलो सुनो। हाँ बोलो आकाश। आज मैंने भूमि को देखा। भूमि को देखा? चलो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ, वो अभी तक नहीं बदली, लड़कों के साथ घूमती रहती है। ऐसा है क्या? तुमने उसे मेरे बारे में नहीं बताया क्या? मैंने बताया ना, उसका बर्ताव ही ऐसा है। मेरी राय मानो तो तुम उसे भूल जाओ। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा, ओके? अगर तुमको मदद करनी है तो करो, नहीं तो जाने दो, ठीक है? हेलो आकाश। अरे रुक जा यार। अरे यार यही गाड़ी पार्क करना, यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ वास्तव में बढ़िया खाना मिलता है, चल खाते हैं। छोड़ो अच्छा? यार। अरे घर पर खाना मिलता है, लेकिन यहाँ के जैसा नहीं मिलता ना। आज का ट्रिप कैसा लगा तुम्हें?
साथ घूमती यार। अरे बाप ये क्या कर रहा है यार, देखा ना तूने कैसी है ये। मैं भी कर सकती हूं। ए भाई ए रुक जा चल मत जा। अरे ये लोग मेरे पर जाए। ए क्या काम से नालायक। आकाश। कौन सा आकाश? फेसबुक वाला आकाश। क्यों याद नहीं है तुमने मुझे बुलाया था? वही वाला आकाश हूँ मैं भूमि। अरे यार मैं भूमि नहीं हूँ, मैं सोनी हूँ। अब तुम नाटक मत करो भूमि। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो पहले ही बता देना चाहिए था ना। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ए बेवकूफ, उस दिन रेस्टोरेंट में जो मिली थी ना वो है भूमि। अपनी फोटो की जगह उसने मेरी फोटो भेज दी तुम्हें। मेरा नाम सोनी है और यही सच है। तुम मानो या ना मानो देखो क्या हुआ है। बेकार में मेरे बॉयफ्रेंड को पीट दिया तुमने। डार्लिंग रुको जरा, मैं आ रही हूँ ना। सॉरी। हेलो सुनो। हाँ बोलो आकाश। भूमि ने मुझे धोखा दिया है। उसके लिए प्यार तो सिर्फ एक खेल है। उससे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर ऐसा क्या हो गया आकाश? मुझे भूमि की असलियत पता चल गई है। अब मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता। मैं पार्क में जहर खाकर आत्महत्या करने वाला हूँ। और हाँ मेरी बॉडी को घर पहुँचा देना। अगर मेरी दोस्त हो तो प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज गुड बाय। आकाश रुको, आकाश आकाश वैसे वो सोनी है, भूमि नहीं। ये अच्छा अच्छा अरे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं तुम लोगों को? पानी पूरी की पड़ी है वहाँ, किसी की लाइफ जा रही है। चलो भूमि। आकाश कहाँ हो तुम? आकाश आकाश कहाँ हो तुम? आकाश 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 आकाश, इस पूरे मामले को बताने से पहले तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों कर ली? प्लीज आकाश ये गलती मेरी है। उठ जाओ आकाश, उठ जाओ, तुम्हारी इस मौत की जिम्मेदार अब मैं बन गई हूँ। उठ जाओ आकाश, आई एम सो सॉरी। आई लव यू आकाश, आई लव यू आकाश। उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ। No! अरे डरो मत, असली भूमि का पता लगाने के लिए मैं ये नाटक कर रहा था। प्यार में कितनी ताकत होती है ना, और जिसके पास ताकत होती है वो हमेशा जीतता है। You cheater! Hey, hey! रुको, hey! भूमि, भूमि, मेरी बात तो सुनो भूमि, भूमि। हटो यहाँ से, मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है? अच्छा तुम भी तो कम नहीं हो, किसी और की फोटो लगा के मुझे कितना सताया। अरे इस हालत से बचने के लिए मैंने ऐसा किया, तुमने तो जानबूझकर मुझे डरा दिया ना। आई हेट यू। हे भूमि, तुम्हारे मुंह से एक बार आई लव यू सुनने के लिए मैं कितना तड़पा हूँ। बस एक बार आई लव यू कह दो ना। नहीं बोलूंगी। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। मर जाओ, मेरा प्यार तुम्हें वापस जिंदा कर देगा। अरे यार प्यार में पड़ने के बाद जीना भी मुश्किल है और मरना भी मुश्किल है, क्या करूं? अरे प्यार करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मरते दम तक प्यार करते ही रहना पड़ेगा। ये बात है। आई लव यू भूमि। Hi. और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी दूसरी फ्रेंड। Oh, nice. Hi. मैं अभी आती हूँ। हेलो। हेलो। हाय। वाओ। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारा नंबर बताओ। यही है ना?
था। तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं ऐसा तुमने कहा था ना मैडम। तुम्हारा कॉलेज असेसमेंट पूरा करना है ना? नहीं तो? तो चली जाओ। अच्छा जाती हूँ यार। तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ मर रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। सैटरडे को ही तो मिली थी उससे, अब नहीं मिलना। मुझे नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। ठीक है जाती हूँ। पता नहीं लगता इसका दिमाग खराब हो। हे, तुमने इन लोगों को क्यों भेज दिया? कितनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी मुझे। कौन सी इम्पोर्टेंट बात है मुझे बताओ बताओ। ऐसा क्या डिस्कस करना था बताओ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह है राम। हाय। यह है नवीन। यह है सुशील। हेलो। और ये शंकर। हाय। बता था लड़कियों के नाम से फेसबुक पर मैसेज करता है। होशियार से रहना नहीं तो फंस जाओगे। सब छोड़ो। आकाश क्या कह रही थी? हाँ, सही कह रही थी। अरे पागल चला गया। हाँ तो हम क्या करें? आकाश चला गया तो क्या हुआ मैडम? मैं तो यहाँ पर हूँ ना। डोंट वरी, मेरे पिताजी कौन है पता है? मेरे पिताजी के पास यहाँ से वहाँ तक जायदाद है और वहाँ से यहाँ तक जायदाद है। जयपुर में 30 बिल्डिंग खड़ी है, कानपुर में 20 अच्छा? बिल्डिंग खड़ी है। अच्छा, मेरे पिताजी को समझ क्या रखा है? तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत पैसे कमाने चाहिए। लगता है किसी ने नहीं देखा। अरे बाप रे। शादी करने वाली हो बेटा? आंटी, एजुकेशन खत्म होने में बस एक साल बाकी है, इसके बाद आप अपने बेटे के साथ मेरी शादी करा सकती हैं। अच्छा क्यों? मेरे भाई को उठाकर ले जाने की प्लानिंग है क्या? हाँ बिल्कुल। इस मोटू को कहाँ उठाकर ले जाओगी भाभी? मुझे मोटू बुला रही है? डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम दोनों की मदद करने के लिए। पिछले जन्म में मैंने कितने बड़े काम किए होंगे कि मुझे तेरी जैसी बहन मिली है। हाय अंकल। ठीक है, आज से मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं जानता हूँ तुम इसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। ये मेरी बेटी नहीं, मेरे दिल की धड़कन है जो तुम्हारे हवाले है। खुश रहो। जाओ बेटी।
अंकल मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हेलो। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? मैं यहीं पर हूँ। अरे लेकिन कहाँ हो तुम? जरा उस तरफ देखो। कहाँ हो तुम? जरा इस तरफ देखो। अच्छा कौन से कलर की ड्रेस पहनी है तुमने, ये तो बताओ। कौन से कलर के कपड़े पहन कर आई हूँ देखो, तुम बताओगे तब समझूंगी ना। अरे मुझे देख ही नहीं रहे हो तुम, जल्दी आ जाओ, जरा मेरी नजरों के सामने आ जाओ। जरा इधर तो देखो। अरे कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं दे रही हो। अप्रैल फूल, मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, देखा कैसे बकरा बना दिया मैंने। अरे लड़की हो या लड़का, यहाँ छोड़ने का सवाल नहीं उठता। अरे मेरी इज्जत बचाओ। नमस्ते गुरुजी। देखिए इसी महीने की 21 तारीख को मैंने मुहूर्त निकाल कर रखा है। अरे बाप रे, आपने इतने जल्दी का मुहूर्त निकाल लिया, ये तो मेरी किस्मत की बात है। आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ ओके। हाँ कौन था? दोस्त लोग मिलने के लिए बुला रहे हैं। हाँ वैसे मैं क्या कह रहा था, हमारे गाँव में एक उम्र हो जाने के बाद लड़का नहीं मिलता। लेकिन तुम्हें क्या टेंशन है, मैं हूँ ना तुमसे शादी करने के लिए। क्यों मुझे सिखा रहे हो? ठीक है मेरी उम्र हो जाने के बाद तुम आकर मुझसे शादी कर लेना। अरे मैंने तो मजाक किया। आकाश तुम यहाँ पर हो? हाय भूमि, मैंने तुमसे पैसे मांगे थे ना। हाँ आकाश इसलिए तुमने बुलाया था? क्या कह रही हो, तुम्हारे पास शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? पहले जो लिया था उसी को चुकाने की औकात नहीं है, ऊपर से ये सब। भूमि आकाश जब लड़की बीच में आती है तो फ्रेंडशिप टूट ही जाती है, भूमि का ख्याल रखना। अभी तक तुमने जो पैसे दिए हैं मैं अपनी किडनी बेचकर तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम दोनों खुश रहो, मैं चलता हूं। अरे पागल कहीं का, बोलता है किडनी बेचकर पैसा लेकर आएगा। तुम मेरी माँ की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम दोनों भी मुझे नहीं समझ सकते। ऐसा क्या किया मैंने? एक जैसे ही हो। अरे तुम्हारे अच्छे के लिए बोला। मेरे बारे में सोचना बंद करो, मैं संभाल लूंगा, तुम अपना देखो। अरे आकाश सर मुझे एक बार डील देने के बाद आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दिमाग खराब मत कर लेना, उसकी कहानी तो खत्म हो गई बॉस, अभी जाकर खत्म कर देता हूँ उसे। बेटा अपना ध्यान रखना और टाइम पर खाना खा लेना। ये लो बैग पकड़ अच्छे से आराम से। हाँ ये ले। माँ एक ही बात कितनी बार बोलोगी, बस 2 महीने की तो बात है, यूँ गया और यूँ आया, और फिर भूमि की एग्जाम भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फ्री में रहेगी, वो भी शादी में आएगी ना, और तभी उस शादी में मैं सभी रिश्तेदारों को बता दूंगा कि भूमि तुम्हारी बहू बनने वाली है। भैया मेरी शादी में मुझे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए। अगर मैं नहीं आया तो चलेगा क्या? हाँ, चलेगा, मुझे सिर्फ गिफ्ट चाहिए। माँ ए चल तू अंदर चल चुपचाप। हाँ जा रही हूँ। ध्यान से रहना। हाँ, बेटा आता हूँ माँ। भैया जल्दी मत आना, बाय। तुमने मुझे देर से आने के लिए कहा है ना, तो जल्दी नहीं आऊंगा। हेलो ठीक है बताता हूँ भाई, अपना टारगेट पहुंच गया। गाड़ी जब रॉन्ग साइड से आती है तो मैं उसे सीधा उड़ा देता हूँ, उसे मैं जगह नहीं देता। चलो गाड़ी निकालो। अब तुम्हें क्या हो गया है मुझे बताओ जरा, तुम कोई लव करने वाली लड़की थोड़ी ना हो। अरे यार कॉलेज के नाम पे मूवी देखने के लिए निकल जाना चाहिए, शॉपिंग के लिए चली जाओ, बाहर खाना खाने चली जाओ, आइसक्रीम पार्लर चली जाओ, इतना सारा ऑप्शंस है तुम्हारे पास, पार्क गार्डन झरना इतना कुछ, और ये लड़की कितनी बेवकूफ है, अगर तुम जैसी लड़की ऐसे प्यार में पड़ जाएगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं चाहिए। लड़की को लड़के का पॉकेट खाली करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो हाँ मैं आ रही हूँ ना 5 मिनट में, अब मैं जाकर ब्लेड से उसका पॉकेट काट के आती हूँ, आने के बाद तुझे भी अच्छे से ट्रेनिंग दूंगी, ठीक है बाय। अरे अरे यार क्या ऐसी बात बोलकर जा रही है, मैंने ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ी ना लव किया है, मैं तो शादी करके घर बसाने की सोच रही हूँ, अब इसे कैसे समझाऊं? अरे उसे जो करना है करने देना। एक मिनट। हाँ भूमि क्या हुआ? भूमि
इतना समझाने के बावजूद मुझसे भिड़ने चला था। तुझे समझाया था ना कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर भी नहीं माना। तू मुझे अकेले को मार देगा तो याद रखना, तुझे भी काटने वाला कोई ना कोई पैदा होगा ही होगा। तू बस देखता जा, उसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। आकाश की बहन की शादी हो गई क्या? उसकी माँ कैसी है? अबे ये पैसे लिए बिना मुंह नहीं खोलेगा। अब देख कैसे बताएगा। अरे यार, लड़का होगा तो शादी होगी, सिर्फ पैसा होने से कैसे शादी होगी? आकाश के मर जाने के बाद उसके फैमिली और दोस्त सारे परेशान हो गए यार। आकाश की बहन की शादी हो गई क्या? उसकी माँ कैसी है? आकाश की मौत जब से हुई है सभी लोग उदास हैं। अब मैं किसी को उधार नहीं दूंगा भाई। भाई मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैं पैसे के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करता। आकाश अच्छा लड़का था और इसलिए मैंने उसको बहुत कर्ज दिया था, लेकिन क्या फायदा, वो तो एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अब मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? हाँ, अब मैं बिल्कुल उधार नहीं दूंगा। आकाश से आपको कितना पैसा लेना है? क्या तुम मेरे पैसे दोगे? एक अच्छा इंसान कभी नहीं मरेगा, वही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उसका पैसा कितना हुआ है बताओ? 2000 रुपए। बस इतना ही है ना? ये लो, हो गया ना हिसाब? अरे यार, मेरा एक डाउट है। क्या हुआ रे? अरे जैसे ही गांव में आया था, आकाश का पूरा डिटेल्स लिया था और अभी देखा तो उधार खो चुका रहे हो और ऊपर से उसकी बहन की शादी का इंतजाम भी कर रहे हो तुम। सच बताओ, आकाश और तुम्हारा संबंध क्या है? अरे संबंध वम्बन कुछ नहीं है, वो तकलीफ में है, बस मदद करना चाहता हूँ, इतना ही। किसी को छूना ही नहीं लगा सकता। गुरु बैंगलोर से आए, समझो तू। इस पे भरोसा करने के लिए स्पेशली बैंगलोर से गुरु को यहाँ बुलाया है। तू फालतू बातें करना बंद कर और एक बात सुन ले, ये भाई यहाँ क्यों आया है इसी से पूछ लेंगे। इसके पीछे एक वजह है, लेकिन वो बतानी होगी, ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना? उसके पीछे वजह क्या मुझे पता चल गया? क्या पता चल गया? आकाश का एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। अरे ये तो क्या बक रहा है यार? अरे कंफर्म है गुरु, बस यही हुआ होगा। हेलो प्लीज, ये बात किसी को भी बताना मत। मेरी बात सुन, पहले चाकू लेकर उसके पैंट में घुसा देना। अपनी जुबान संभालना। देखो तुमने उसे चाकू मारा है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम किसी जानवरों को मारने वाले इंसान हो। नो चांस। तुम जैसे दोस्त मिलने के लिए मैंने जरूर कोई ना कोई पुण्य किया है, मैं तो धन्य हो गया यार। अरे वाह क्या बात है, चलो हाथ मिलाते हैं। बेटी, जो मर गया है उसके बारे में सोचकर कब तक ऐसी बैठी रहोगी? अब तुम्हें सोचना ही होगा कि आगे क्या करना है। बेटी, तुम किसी और से शादी कर लो या फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यूं चार दीवारों में बैठने से अच्छा है कि तुम बाहर निकलो, लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, धीरे धीरे तुम सब भूल जाओगी। मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर शादी कर लो बेटी। मैं सोचती हूँ। जल्दी कोई फैसला कर लो बेटी, तुम खुशी से अपना जीवन बिताओ, मैं यही देखना चाहता हूँ। अपने पिता के बारे में कुछ सोचो बेटी। अरे बिना पैसों के हम शादी कैसे करवाएंगे? ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा, कुछ तो कीजिए, ये बहुत बड़ा रिश्ता है। दहेज के लिए भी मना कर दिया उन्होंने, बस इस लड़की का शादी करा दीजिए उनसे। क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं ना, मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बस इतना कह के अपनी सारी कमाई दोस्तों में लुटा दिया, अब क्या कहूँ मैं आपसे। माँ, अभी भी आप भैया को बुरा भला कह रही हैं। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई, मुझे शादी की जरूरत नहीं, सिंपल शादी करनी है तो ओके, उन्हें जाकर बता दीजिए। सिंपल से नहीं, बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे, आप जाकर उनको बता दीजिए। मुझे माफ करना माँ, फ्रेंड्स बोलकर अगर एक बात मुलाकात हो जाए तो बात खत्म हो जाती है। मैं किसी वजह से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि आपके इस बेटे ने बहुत इज्जत कमा कर रखी है। ये लो माँ, बहन की शादी धूमधाम से करना, मैं भी आकर आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम्हारे जैसे उसके हर दोस्त पैसे लौटा देंगे तो मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो सकती है। देंगे, जरूर देंगे। फ्रेंड्स की हेल्प के लिए आकाश अपनी जान दांव पे लगा देता था, अब उसके मर जाने के बाद फ्रेंड्स लोग पैसा देने में हिचकिचा रहे हैं। देखो ये एमएलए की शादी हो रही है, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो लोगों के सिर कट जाएंगे। अरे अरे डरने की कोई बात नहीं है, वो मान ही जाएगी,
बस प्यार को खो देने का थोड़ा सा उसको गम है। आप जाकर उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, वो बहुत बड़े लोग हैं, सब कुछ ध्यान से सूत्र के मुताबिक होना चाहिए, किसी भी लापरवाही की वजह से उनका नाम नहीं डूबना चाहिए। गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे दामाद बनेंगे यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भले ही हम दुनिया से छिपा कर रखेंगे लेकिन वो तो मेरे दामाद ही रहेंगे ना, मैं बस इसी से खुश हूँ। तुम बहुत ही समझदार आदमी हो। ये तो बस आपका आशीर्वाद है। ठीक है, आशीर्वाद, सब कुछ अच्छा होगा। कान खोल के सुनो, मेरे एमएलए ससुर जी भूमि से शादी करने वाले हैं। पता है भाई, सभी लोग जानते हैं। आज से वो लड़की कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, मुझे सारी डिटेल चाहिए। ओके भाई। आज से उसको फॉलो करना ही तुम्हारा काम है, मुझे पल पल की खबर देना। ओके भाई। तुम लोग उसे फॉलो कर रहे हो, ये बात किसी को बतानी चलनी चाहिए। हाँ। याद रखना, हाँ। भूमि को भी बताना चलने पाए। ओके भाई, समझ गए ना? जी भाई। चलो। हाँ हाँ। अरे रे, राक्षस है ये। कौन है? अरे रे, स्वीटी का फोन। सुबह सुबह किसी लड़की ने फोन किया है, आज इसे अपने जाल में फंसा कर मस्त मजा करूंगा। हेलो, फेसबुक पर क्या हो गया मैडम, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये सब तुमको कैसे पता है मैडम? फेसबुक पर। आकाश ऐसा करेगा है तो चांस ही नहीं है। ए, 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 हाँ, उठना। क्या हुआ बे? क्या देख? हाँ? अरे यहाँ देखना। हाँ? आकाश ने। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, मुझे मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। क्या पोस्ट? लेकिन मेरी आत्मा को शांति अभी तक नहीं। आज भी वो मर, जिस पर मैंने विश्वास किया था उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। इसे शेयर करता हूँ सबके पास। मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मुझसे पैसे लिए और वापस नहीं किए। हाँ, नहीं तो क्या? कुछ दोस्तों के फोटोज मैं फेसबुक पर डाल रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इनसे मिले वो उनसे जरूर ये कहें कि मेरे पैसे लौटा दें, ताकि ये इस तरह से किसी और के साथ दोस्ती का फायदा ना उठा सके। ये सब तेरी वजह से हुआ। आपका धोखा खाया हुआ आकाश। सॉरी माँ जी, हम फॉरेन ट्रिप पर गए थे। आकाश का एक्सीडेंट हुआ ये जानकर हमें बहुत दुख हुआ। जब हम तकलीफ में थे तो आकाश ने हमारी बहुत मदद की थी। इसीलिए माँ जी, आकाश हमारे लिए एक भगवान की तरह है, इसी वजह से उसने जो पैसे दिए थे हम उसे वापस लौटा रहे हैं। ये रख लीजिए माँ जी, इस पैसे से बहन की अच्छे से शादी कर दीजिए माँ जी। जितना पैसा लिया था उससे कहीं ज्यादा दिया है माँ जी, आप देख लीजिए। भगवान का शुक्र है, आकाश के सबसे अच्छे दोस्त हो तुम। कोई पूछेगा कि तुम्हारे भाई ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है तो मैं कहूंगी अपने फ्रेंड्स को, आज आप लोगों ने मेरी इस बात को सच कर दिया। क्या बात है, तुम्हारे दिमाग में जो बात आई है ना, मैं उस बात की दाद देता हूँ। और तुम आकाश का मर्डर करके उन्हीं हाथों से उसकी मदद भी कर रहे हो, क्या बात है, सुपर कमाल कर दिया। अरे यार, वो मर्डर मैंने नहीं किया था, वो तो एक एक्सीडेंट था यार। ऐसा क्या? वो एक्सीडेंट था, सॉरी भूल गया था। क्या हुआ बेटी? मुझसे बात मत कीजिए, चले जाइए। अरे क्या बात है, मुझे बताओ ना, मुझे कुछ तो बताओ बेटी। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्या बचा है अब? प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता है बेटी। मैं उसे पटाऊंगी। बेटी वरुण तुमसे प्यार नहीं करता है। अगर वो प्यार नहीं करेगा तो मैं उसका खून कर दूंगी। मैं इस दुनिया में आई हूँ ताकि मैं वरुण के साथ जी सकूं। मेरी शादी अगर होगी तो सिर्फ उससे ही होगी, वरना नहीं होगी। हाँ ठीक है, कर देता हूँ। भैया मस्त एक शर्ट पैंट सिलवा दो। थू,
तो जन्म से ही धोखेबाज है। क्या हुआ भाई? आकाश से पैसा लेकर उसे लौटाया नहीं। तेरा कोई जमीर नहीं है क्या? उसके घर जाकर पहले उसके पैसे वापस कर। क्यों बेकार की जिंदगी जी रहे हो? जाकर कहीं मर जा। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही फ्रेंडशिप में नाम खराब होता जा रहा है। जा जा जा, निकल जा। जब आकाश था तो पैसे लौटा नहीं पाया, अब लौटा दिए तो इज्जत की बैंड बज गई। यार, भूमि ने इज्जत की भजिया कर दी है। भूमि ने फेसबुक पर पोस्ट करके गलती कर दी। तो क्या आकाश भूत बनकर थोड़ी आएगा पोस्ट करने? उसे ही पता था आकाश का पासवर्ड, और किसने किया होगा? ये पूरा उसी का काम है। पैसा भी चला गया और इज्जत भी चली गई। उस भूमि को ऐसे नहीं छोड़ने का भाई। तू टेंशन मत ले। अब देख तू, मैं भूमि की कैसे बैंड बजाता हूँ। तू सिर्फ देख मैं क्या करता हूँ। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए गाँव से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? मुझे तो गजरा बहुत पसंद है। तो क्या उसे मैं फर्स्ट नाइट में लेकर आऊंगा? चुपचाप चलो अब। तुम मंगलसूत्र पहनाओगे तब तो फर्स्ट नाइट आएगी। अरे मेरा हाथ छोड़ो। कौन सा कलर पसंद है तुम्हें? ऑरेंज। ऑरेंज कलर का ड्रेस खरीद कर दोगे क्या? अरे यार, इतना गुस्सा क्यों होते हो तुम? सुनो ना। अच्छा, स्वीट में कौन सा स्वीट पसंद करती है? मैसूर पाक। अरे मेरे हर सवाल का जवाब तुम ही दोगी क्या? थू, मेरा पीछा छोड़ो, दिमाग खराब मत करो। भूमि, मैं कौन सा ड्रेस पहनने पर अच्छा लगता हूँ? अरे बाप रे, ठीक है तू जा। तुम्हारी कुंडली देखकर जो तुमसे शादी करेगा वो सीएम बन जाएगा, ऐसा गुरुजी ने कहा था। तुम शादी नहीं करना चाहती और समाज सेवा करना चाहती हो। एमएलए ने तुम्हारी कुंडली देखी और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। अगर एमएलए सीएम बन जाएंगे तो हमारे गांव का नाम रोशन हो जाएगा और तुम्हें समाज सेवा करने के लिए पावर मिल जाएगी। गाँव की खुशी के लिए आप मुझे एमएलए की दूसरी बीवी बनने को बोल रहे हैं? अरे तुम किसी की पहली बीवी बनो या दूसरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये शादी पसंद नहीं है। अरे एमएलए भी खुद तुमसे शादी करना नहीं चाहते। तुम बात को समझो बेटी, वो तुमसे शादी करके सीएम बनेंगे इसलिए वो तैयार हुए हैं। पापा मुझे जरा वक्त दीजिए सोचने के लिए। ज्यादा मत सोचो मेरी बेटी, उम्र जो है वो हवा की तरह उड़ जाती है। देखो मैडम, आप समझने की कोशिश करो, काम ऐसे नहीं होता। समझाओ ना मैडम को। हाँ? अरे हेलो मिस्टर मोटू, जरा उस तरफ जाकर बैठो। जमा करने होंगे। मुझे लगता है सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है? लेकिन मैडम, उस दिन हम लोग जो पेपर्स लेके आए थे ना, तो हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें जल्दी। ओके, सच कह रहा हूँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, भूमि से कह रहा हूँ। वैसे भूमि तो हमेशा ऐसी ही दिखती है, आज क्या स्पेशल है उसमें? पता नहीं, पर तुम बहुत स्पेशल लग रही हो। इसी खुशी में हम 10 मिनट तक प्यार के बारे में बात कर सकते हैं क्या? 10 मिनट किस लिए, हम दोनों पूरी रात बात करेंगे। इसीलिए तुम भूमि से बात कर रहे थे क्या? बिल्कुल, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ और सुन रहा हूँ सिर्फ भूमि के लिए। अब तुम ना अपना मुँह जरा बंद रखो। अब और ज्यादा मैं चुप नहीं बैठ सकता। बताओ भूमि, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत नाटक कर रही हो भूमि, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैं भी तुम्हारे पीछे ऐसे कब तक भागता रहूंगा? देखो इज्जत से बात करो, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें पीछे आने को बोला क्या? ये लो पकड़ो। अरे ये क्या हो रहा है? इसका मतलब जो कुछ भी क्या हुआ बोल रहे थे, उसे बोल रहे थे क्या? चुप रहो, देखिए और यहीं पर रुको। ठीक है सारे, रुको, ये हटा यार। अरे अरे भूमि रुको ना, दिखाओ मुझे मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ, इनको क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जाओ जाओ, देख लूंगा।
थैंक यू मुझे नहीं उन्हें बोलिए। अरे देख रही है मुझे। मुझे नहीं चाहिए बेटा, नहीं। दीदी प्लीज ले लीजिए ना। नहीं चाहिए मुझे। प्लीज दीदी। अरे क्या बस चुपचाप खड़ी हो जाती हो, जाओ जाकर दो ना। इस बार तो उसे फूल लेना ही पड़ेगा, वरना इसके पीछे पड़ने का कोई मतलब नहीं। नैन से नैन मिला कर ले तू आशिकी, जब से तू मिला चैन मुझे ना मिला, आजा रे पास सनम। जब से तू मिला चैन ना मुझे मिला, आ मेरे तू पास आना। रग रग में है तेरा प्यार मिला, जादू मेरे दिल पे तेरा चला। दिल 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 में मेरे तू ही बसा, यादों में मेरे है तू ही बसा। बाहों में मुझको तू भर लेना, रुका है किसने प्यार कर लेना। होठ पे है नाम तेरा, बातों में है जिक्र तेरा, दिल में है चेहरा तेरा। जब से है तू मिला चैन मुझे ना मिला, आजा रे पास सनम। जब से तू मिला चैन ना मुझे मिला, आ मेरे तू पास आना। आजा रे थोड़ा पास मेरी रानी, कर दे तू शुरू अब प्रेम कहानी। रोल कैसे दिल पे कर लूं बोल तू, थोड़ा सबर और जरा कर ले तू। मस्त करे मुझको तेरी यादा, प्यार का नशा अब चढ़ने लगा। दिल में तेरे क्या है पता, ऐसे ना मुझको सता, नखरे तू अब दिखाना। जब से तू मिला चैन मुझे ना मिला, आजा रे पास सनम। जब से तू मिला चैन ना मुझे मिला, आ मेरे तू पास आना। दिल पे सुरूर तेरे लव का, ये मौका है यारा लव का। दिल से दिल मिला नैन से नैन मिला, कर ले तू आशिकी। जब से तू मिला चैन मुझे ना मिला, आजा रे पास सनम। जब से तू मिला चैन ना मुझे मिला, आ मेरे तू पास आना। हेलो भूमि, तुम्हारे अंदर इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मेरे दोस्त के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? चुड़ैल कहीं की समाज सेवा के नाम पे पूरी दुनिया को उल्लू बना रही हो। शादी करके घर बसा के संभाल नहीं सकती ना, इसलिए समाज सेवा का नाटक कर रही हो। मेरे दोस्त के साथ मेरी शादी तय हो चुकी है, इसलिए सीधे सीधे वरुण के रास्ते से हट जाओ, समझ गई ना? बीच में आने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगली बार तुम्हें उसके साथ देखा ना, तो वहीं पर तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। ऐसे गैर मर्दों के साथ घूमना बंद करो, समझी? भूमि बेटा, अच्छे लड़के को ढूंढो और उसके साथ घर बसा लो और खुश रहो, बीच में मत आना। क्या हुआ, तुम अकेली क्यों खड़ी हो?
कुछ नहीं पापा। बेटी, एमएलए साहब बार बार पूछ रहे हैं, अगर हमने कुछ जवाब नहीं दिया तो उन्हें कैसा लगेगा? मुझे मंजूर है, जल्दी से डेट फिक्स कर दीजिए पापा। थैंक यू बेटी, थैंक यू सो मच। कल तुमने मेरा फोन ले लिया और आज तुम मेरा दिल चुरा लोगी, ऐसा सपना आज सुबह मैं घर से देख कर आया था। तुम्हारा हार्ट लेकर आखिरी वक्त तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्या मेरी बात सुनोगे? अगर प्यार है तो बता दो ना, वरना बेकार की बातों में वक्त जाया करके कोई फायदा नहीं। तुम्हें पम्मी के साथ शादी करना होगा। अगर उससे शादी करूंगा तो वो किसी से बात नहीं करने देगी मुझे। तुम उनसे शादी करोगे ना? तुमसे मिलने से पहले सोच रहा था मुझे शादी नहीं करनी है, क्यों पता है? क्योंकि सारी लड़कियां पम्मी की तरह होंगी इस वजह से। पर तुम्हारे पीछे यहां वहां भागते भागते मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया, और आज ये बात मैं तुमसे सीरियसली कह रहा हूं। प्लीज मुझे कभी धोखा मत देना। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो पम्मी के साथ शादी करनी होगी, मेरी खातिर उससे ही शादी कर लो। अरे गौरव जी की बेटी, अरे नहीं भूमि, जरा रुको तो। वरुण, वरुण, क्या बात है, यहाँ अकेले बंदर की तरह क्यों बैठे थे? हाँ बहुत देर से बंदर की तरह बैठा हूँ, मैंने उस भूमि के पीछे पड़ के अपना सारा वक्त बर्बाद कर दिया, किसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़का कर मुझे सबक सिखा दिया, इसलिए उसे छोड़कर अकेले मैं चुपचाप बैठा हूँ। इतना बड़ा काम मेरे अलावा और कौन कर सकता है? 20 साल से मैं जिसके सपने देख रही थी, उसे कोई ऐसे ही मेरी आँखों के सामने से चुरा के ले जाएगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने उस लड़की को अच्छे से सबक सिखाया। मैं कहानी सुनाऊँ तो सुन पाओगी क्या? हाँ मुझे कोई लव स्टोरी सुनाओ। मैं भूमि से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ, पता है क्यों? अब बताओ क्या मैं उसे भूल जाऊं? I'm sorry. हाँ तुम करोगी ना? हाँ, तुम्हें बलून्स चाहिए? बताओ मुझे। तुम मेरे ससुर जी से शादी करने वाली हो तो तुम मेरे बहन जैसी हो, अब आगे से तुम कहीं भी जाओगी तो मेरी नजर तुम पर ही होगी। एमएलए के घर की बहू बनकर समाज सेवा के नाम पे अरे ग्यारों से मिलती रहोगी तो अच्छा नहीं होगा। याद रखना। ए गाड़ी निकालो। बात है भूमि, मुझसे गुस्सा हो क्या? मेरे अंदर का गुस्सा तुम पर निकल गया। सब खत्म हो चुका है। ऐसा है क्या? तुम्हारी शादी कब है? जब तुम मंजूरी दोगी। इसका मतलब? हमने तो बहुत कुछ सोचा था,
लेकिन भगवान की मर्जी तो कुछ और ही है। इस जन्म में वरुण ने तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। उसने तुम्हें भी कन्विंस कर दिया? बहुत बड़ा चालाक है वो, बातों बातों में सबको कन्विंस कर देता है। नहीं भूमि, तुम वरुण से शादी करोगी वही ठीक रहेगा। प्यार तो एक ही बार ही होता है। इस जन्म का मेरा प्यार आकाश तक ही रहने दो। भले ही मेरी दूसरी शादी होगी, लेकिन मैं उसकी यादों में अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी। ये तुमसे नहीं होगा, फिर भी तुम ट्राई करो। मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। अरे तुम ये क्या बोल रही हो, वो तुम्हारा 20 साल का प्यार है। पर तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का प्यार है। ये तुम क्या बोल रही हो। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, और तुम्हारा प्यार भी नहीं मरा। वरुण के नाम से जाग उठा, अब उसके साथ तुम हमेशा खुश रहना। मैं अब चलती हूँ, तुम अपना फैसला ले लेना। नहीं रुको। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पांचवी क्लास में। वैसे तुम कौन सी? ओ ऐसा है, क्लास में सबसे बढ़िया कौन पढ़ता है? अच्छा ऐसा है। ए देखो तो भूमि है। ए भूमि रुको। बाय दीदी। बाय दीदी, हम जा रहे हैं। आप लोग आकाश के दोस्त हो ना? हाँ हम लोग वही है। एक बात बताओ भूमि, क्या हम पैसा देने से मना कर रहे थे क्या? हमारे पास अभी पैसा नहीं था, इसलिए बाद में देंगे ऐसा बोल रहे थे हम। और बदले में तुमने क्या किया? फेसबुक पे हमारे फोटो डालकर, हमारे नंबर डाल के हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। करो। अरे तुम्हें कैसे समझ में आएगा, इज्जत तो हमारी चली गई ना, नाम हमारा खराब हुआ। बाहर सर उठाकर जीना मुश्किल कर दिया हमारा, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ऐसा नाटक मत करो, हम लोगों ने पैसा लौटा दिया है। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, इस बात को याद रखना। भैया के दोस्त लोग आकर पूरा पैसा लौटा कर गए। बेचारे बहुत अच्छे थे, सबसे समझौता करा के पैसा लौटा दिया। अब 2 महीने में मेरी शादी है, आप आना। हाँ 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 आऊंगी। वैसे जिसने तुम्हारी मदद की उसने अपना नाम बताया? उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, पर ज्यादा बोलते थे वो। उनका नाम बस वरुण बोला था क्या? हाँ वरुण। अच्छा मेरी शादी में आना। हाँ भाभी। हाँ आऊंगी। भूमि मुझे ऐसे ढूंढते हुए आ रही है, उसे देखकर लगता है कि अगर मैं उसे फर्स्ट नाइट के लिए बुलाऊंगा तो भी आ जाएगी। चलो ट्राई करते हैं। आइए आइए, इस वरुण के किले में आपका हार्दिक स्वागत है, आइए। सच बताओ तुम कौन हो? तुमने मुझे आगे पीछे कभी देखा तक नहीं, और मुझे ही ढूंढते हुए आए हो, और आकाश के घर जाकर मदद भी की। आकाश की पूरी जिम्मेदारी क्या तुम पर है? तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है? मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ अपने दिल की वजह से। जिसने मुझे जिंदगी दी है उसी की जिंदगी संवारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जिस दिन आकाश का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं भी हॉस्पिटल में ही था। अगर उस दिन 2 दिन के अंदर मेरा ऑपरेशन नहीं होता तो मेरा बचना मुश्किल था, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। आकाश नहीं बचेगा, इस बात को जानने के बाद उसका हार्ट मुझे लगा दिया। और आकाश की बॉडी घर पहुंचा दी। अपने एरिया में आकाश नाम का एक लड़का रहता है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, बोलकर मैंने अपने सभी दोस्तों को काम पर लगा दिया और उसके बारे में पूरा जान लिया। आकाश के मर जाने के बाद सारे परेशान हो गए। यार तुमने आकाश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आकाश का और कितना कर्जा देना बाकी है? उसकी बहन की शादी पूरे धूमधाम से होनी चाहिए। आकाश की सारी समस्याएं मैंने दूर कर दी। आकाश को जिसे जिसे पैसा लौटाना था वो सारी जिम्मेदारियां मैंने ले ली और सबको मैसेज किया। वैसे तुम कैसी हो, बस यही देखने के लिए मैं आया था। गुरु, आकाश के घर की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए तुमने सोचा ठीक है? आकाश जिस लड़की से प्यार कर रहा था उसे देखते ही उसके पीछे चले गए। उस लड़की को तुमने अलग नजरिए से देखा, ये कोई और बात है क्या? तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया और उसके बाद मैं तुम्हारे प्यार में पागल सा हो गया।
देखो ये एमएलए की शादी है, याद रखना सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। इसके बारे में किसी को भूल कर भी पता नहीं चलना चाहिए। सब कुछ अच्छे से ही होगा, ये कोई पिछले जन्म का पुण्य है जो मुझे मिला है, कुछ अनर्थ नहीं होगा। मेरी तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गुरुजी। सब कुछ अच्छा होगा, भविष्य का मुख्यमंत्री है वो। ये तो आप ही का आशीर्वाद है गुरुजी। जय हो। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस मुझसे प्यार कर लो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तुम्हारी कसम। आज भी पावर कट, 10 दिनों से यही हालात चल रहे हैं। बस एक बार तेरी शादी हो जाए ना, फिर देखना सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बेटी इनविटेशन कार्ड आए हैं, एमएलए साहब ने कहा है कि ज्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, हाँ, और इसीलिए अपने करीबी लोगों को ही शादी में बुलाना, समझ गई ना, इन्विटेशन यहां रखे हैं। पापा मुझे शादी नहीं करनी है। क्या बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, सारा इंतजाम हो चुका है, सिर्फ 3 दिन बाकी है। पापा आकाश मेरी खातिर फिर से जन्म लेकर आया है। जब भी कोई लड़की अच्छी होती है ना, तब हजारों लड़के उसके पीछे आकर कहते कि मैं आकाश की तरह हूँ। पापा ऐसा नहीं है पापा, आकाश का हार्ट ही वरुण को लगा हुआ है और वरुण भी मुझे आकाश की तरह पसंद करता है। देखो बेटी इन बातों पर यकीन मत करना वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो मैं वरुण के बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, समझ रही हो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। नहीं पापा, वरुण सच में मुझसे शादी करेगा। ठीक है, अगर यही बात है तो तुम्हारी शादी के लिए जो मुहूर्त फिक्स कर रखा है उसे उसी मुहूर्त पर तुमसे शादी करनी होगी, वरना तुम्हारी शादी एमएलए साहब के साथ होगी। प्यार के नाम पर इसने नाटक शुरू कर दिया है। मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत होगी ये बात तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन प्यार करना बहुत दुखदायक होता है। कितनी तकलीफें होती हैं उसमें, जब भी फोन करता हूं तुम रोती हो, ना करो तो नाटक करना शुरू कर देती हो, परेशान होकर साइलेंट करता हूं तो वो भी नहीं, एक पल भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। ए, खामोश मत रहो, कुछ बातें करो। मुझे तुमसे प्यार है या नहीं ये बात मैं दिल चीर कर दिखाऊं। 21 तारीख को हमारी शादी है। बस 2 ही दिन तो बचे हैं। तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे इस बात का मेरे पिताजी को डर है। अरे भागने के लिए थोड़ी ना तुम्हारे इतने करीब आया हूँ, बट प्यार करके अभी 8 दिन भी पूरे नहीं हुए और इतने में शादी की बात कर रही हो। 2400 घंटे तुम्हारे कंधे पर सर रख कर सोने का मन करता है। अभी नहीं, अगले महीने 21 तारीख को शादी है ना हमारी, तुम्हारे पिताजी को छुट्टी भी नहीं मिलेगी, उसके बाद हम किससे आशीर्वाद लेंगे बताओ। अगर 21 तारीख को हमारी शादी नहीं हुई तो पापा अपनी पसंद के लड़के से शादी कर देंगे। लड़के से या अंकल से? हेलो हेलो, मुझसे शादी करने के बाद वो सीएम बन जाएगा। ओ, तो ये बात है। चलो फिर मैं 20 तारीख को ही आकर शादी के मंडप में सो जाता हूँ। पर शादी से पहले चुम्मा लेने देने का रिवाज तुम्हारे खानदान में है या नहीं? गाल में दे सकते हैं बस इतना ही। जब दूध मिल रहा है तो पंचामृत भी मिलेगा, चलो प्रसाद दे दो। अरे ये कहाँ जा रही है? अब तो 21 तारीख से पहले ही यहाँ से भाग जाना ठीक रहेगा। क्या बात है साहब,
पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया है। जिस लड़की से मेरे ससुर जी शादी करने वाले हैं, सुना है वो किसी और के साथ घूम रही है। इस बारे में मुझे भी पता चला, लेकिन वो लड़की एमएलए से ही शादी करना चाहती है। एमएलए से शादी करने के लिए कौन सी लड़की मना करेगी पंडित जी। लेकिन जो कोई हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता, चाहे जो हो उसे मैं जमीन में गाड़ दूंगा। वो कौन है? वो अबे कल 21 तारीख है और भूमि की शादी है। हाँ यार, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर वो सती सावित्री की तरह शादी करने जा रही है। बस एक 20,000 की खातिर इतना कुछ कर दिया उसने, हमें धोखा देकर अब वो शादी करके सेटल होना चाहती है। उसे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो हमें जीवन भर नहीं भूल पाए, समझे? उसे देखते ही खत्म कर देंगे अपन। बहुत शानी बनती है क्या? ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, याद रखेगी। पिछली बार यार हमें कुछ भी करके उसकी शादी को रोकना होगा। उसी की बर्थडे पार्टी पर। तुम लोगों को जिसने धोखा दिया है वो भूमि नहीं है। क्या कह रहा है बे? ये क्या बकवास कर रहा है? चकना लगा है। वरुण है। वरुण क्या कर रहा है? वो कौन है? आकाश का हार्ट वरुण के शरीर में लगा, इस वजह से उसने सिर्फ तुम लोगों को ही धोखा नहीं दिया है बल्कि अपने आप को भी धोखा दिया है। वो हमारे बारे में कैसे जानता है? भूमि को इम्प्रेस करने के लिए। सुना, तुम सबका इस्तेमाल ग्लास लगाना, और वो अभी शादी के लिए तैयार हो रहा है। और ऑर्डर अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम वरुण से बदला ले सकते हो, और भूमि एमएलए साहब से शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा तू क्या, अगर तुम लोगों को कुछ मदद चाहिए तो मुझसे कह देना, लेकिन किसी भी तरह वरुण मंडप तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये सब बोलने वाला तू कौन है? बिल्कुल, क्या कर रहा है? मैं एमएलए का ससुर हूं। वो मैसेज करने वाला भूमि नहीं बल्कि वरुण था। उसकी शादी में तो जाना ही पड़ेगा। सही कहा यार, जाएंगे जाएंगे। इतना सब हमारे साथ नाटक रचा है ना, अब उसकी शादी में हम नाटक करेंगे। वरुण का एड्रेस क्या है मुझे पता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया तूने। आज तो शादी धूमधाम से करेंगे। शादी तो धूमधाम से होने वाली है। राम पाम पाम। वैसे इस शादी के लिए धोती क्यों पहननी है? वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट नाइट के लिए क्यों पहनते हैं ये मुझे पता है भाई। हाँ, उसमें तो तूने पीएचडी हासिल की है ना। बेटी, वरुण अभी तक नहीं आया और पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त निकलता जा रहा है, जल्दी से चलो। पापा, मैं काफी देर से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ पर वो स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ किया होगा तो स्विच ऑफ ही बताएगा ना। तुम चलो आ जाओ। ठीक है, और 10 मिनट इंतजार कर लेते हैं, ठीक है? डरने की बात नहीं है, हम आकाश के दोस्त हैं। घबराने की क्या बात है, हम लोग कौन है इन्हें भी पता है और भूमि को भी पता है। जानता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो ये जान नहीं पा रहा हूँ। अरे फ्रेंड के नाम से तुमने जो नाटक किया है ना, उसमें हमारा भी हिस्सा है। आकाश की शादी में शामिल होने की ख्वाहिश थी पर ऐसा हुआ नहीं। ए, पता है भाई, भूमि और वरुण की शादी करवा के हम अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लेंगे, क्या बोलते हो दोस्त? ठीक है, चलो शादी में चलते हैं। दोस्त, अरे दूल्हे को दुल्हन के पास ले जाने के लिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं, तो फिर चलें? चलो भाई चलते हैं। चलो चलो अंदर चलते हैं। सब सही है। अरे किस तरह जाओ घर घूमने। अरे आओ भाई, आ गया। चलो चल 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 गाड़ी चल, बैठ आ जा। चलो बैठ जाओ गाड़ी में। हां चलो चलो बैठो, चलो 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 आओ यार, बैठ जा, चलो बैठ जा, चल। सब लोग बैठ गए, चलो वही आ जा, जल्दी करना। अबे तुझे रास्ता बताया ना? हां हां मुझे पक्का यकीन है, चल। Thank you.
अरे बेटी मुहूर्त निकलता जा रहा है, गुरुजी बुला रहे हैं, चलो। पापा वरुण आएगा। अरे बेटी अगर वरुण आ जाता तो मैं उसे उठा दूंगा, फिलहाल एमएलए साहब बैठे हैं, चलो जल्दी से। पापा वरुण आएगा पापा। अच्छा उसे आने दो, उसे आने दो, उसके बाद मैं उठा दूंगा, तुम्हारी शादी उसी से होगी। पापा ये कैसे होगा? अरे मैं हूं ना बेटी, किसी भी तरह इसी मुहूर्त में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, समझी? अब जल्दी से चलो। तुम लोग तो मुझे नए दूल्हे की तरह सजा रहे हो। हाँ भाई सही कर रहे हैं, हमारे लिए तो आपकी ये पहली ही शादी है, इतना तो हम करेंगे ही। ठीक है कोई बात नहीं। यजमान शुभ मुहूर्त आने ही वाला है, तैयार हो जाइए। क्या बात है, मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? वहाँ मुहूर्त निकलता जा रहा है, अगर वरुण यहाँ पर आ गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। वो नहीं आएगा, उसे छोड़िए। इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो? मैं हूं ना, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। जिसने आकाश को खत्म किया उसके सामने वरुण क्या चीज है, उसे भी मसल कर रख दूंगा। मतलब आकाश को तुमने ही मारा है क्या? सुनिए मालिक, आप मुझे एक बार काम देकर चैन से सो जाइए। आप अपना दिमाग मत खराब कीजिए। ये एक्सीडेंट है या मर्डर है, भगवान को तो क्या, पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। आपको इतना शौक क्यों लग रहा है? खून करना हमारे लिए नई बात थोड़ी है। वैसे तुम खून करने के लिए इतनी दूर आओगे मैंने सोचा नहीं था। अरे एमएलए का ससुर बनने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम जाकर एमएलए को लेकर आओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। हम इस रोड से क्यों जा रहे हैं? अरे तुझे पता नहीं है, यही जा रहे हैं, शॉर्टकट है, तू चिंता मत कर। अरे यार भूमि वहाँ पर इंतजार कर रही होगी। हा? अरे यार तूने गाड़ी क्यों रोक दी, चलना। अरे यार यहाँ से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे यार राइट लेके शॉर्टकट मारते हैं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, टाइम हो रहा है, चल चल। ओके ठीक है, जल्दी जाना होगा। क्या तू भी, मुहूर्त का टाइम निकलता जा रहा है, दुल्हन कहाँ है? भूमि वक्त निकलता जा रहा है बेटी। पापा वरुण। बेटी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी वरुण से ही होगी, अगर वो एक मिनट पहले भी आता है ना तब भी तुम्हारी शादी उसी से होगी, चलो अभी। पापा वरुण। अरे पापा। मेरी बात मानो, चलो अब। दीदी इसे लेकर आइए। जी। लगता है अभी तक वरुण पहुंचा ही नहीं है। ये क्या है? अरे बाप रे। चलो स्वामी जी, शादी का वक्त निकलता जा रहा है, लड़की कहाँ है? इसी वजह से तुम लोग मुझे उस रोड से लेकर आए थे? अरे नहीं दोस्त, हम लोग उस रोड से लेकर जाने की सोच रहे थे, पर ये लोग रास्ते में ना मिल जाए इसी वजह से दूसरा रास्ता ले लिया। चलो आज इसका भी फैसला हो जाए। मेरे ससुर जी जिस लड़की के साथ शादी करने जा रहे हैं, उस लड़की के साथ कौन घूम रहा है मुझे जानना है। उस पर नजर डालने वाले का मैं नाम जानना चाहता हूँ। यही वो लड़का है जिसका नाम वरुण है। भूमि तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तुझे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, समझा क्या?
चैलेंजिंग स्टार फैन को ही चैलेंज दे रहा है क्या? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसे हासिल करने के लिए सामने एमएलए भी आ जाए या सीएम भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। हर समस्या को आसान बनाने के लिए फ्रेंड्स लोग रहते हैं। वैसे भी तुमने फ्रेंड्स लोगों को ही सुपारी देकर उनके मन में लालच भरा था ना, तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूं ससुर जी। अरे वाह एमएलए साहब, कितने सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं, कम से कम एक कैमरा तो रखना चाहिए। ए आ जाओ यार। सर आप ऐसे नहीं जा सकते सर। आ जाओ वरुण बेटा, आओ आओ। आखिर मेरी बेटी जिसे पसंद करती थी उसकी शादी उसी से हो रही है, तुम सही वक्त पर आ गए हो, आ जाओ आओ। कितना नाटक करते हो ससुर जी, आपसे मिलने के लिए स्पेशल गेस्ट भी आए हैं, उनका वेलकम कीजिए ना। बेकार में एमएलए का ससुर बनने का सपना देखा और उस बेचारे आकाश को मार दिया। वैसे देखने से लगता है कि तुम एक खून करने वाले आदमी हो, तुम पे भरोसा करूं कैसे? अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो चलो मैं लेकर जाता हूँ उस वक्त देवराज की लड़की को, जिसने प्यार किया था उसी लड़के को खत्म करके आ रहा हूँ मैं। क्या नाम था उस लड़के का? आकाश। अपनी गोद में पली बड़ी बेटी का एक बुड्ढे के साथ ब्याह करवाते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम इंसान हो या हैवान? पापा आप ऐसा करोगे मेरे साथ? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, खुद अपनी बेटी से धोखा किया आपने, अब मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। अरे रो क्यों रही हो, अब सब कुछ ठीक हो गया ना? वैसे शादी आज ही करनी होगी क्या? अगले महीने भी कर सकते हैं ना? शादी करवाने के लिए यहाँ पर कोई है नहीं ना, इसलिए पूछा। अरे अरे हम लोग। अच्छा सुनो, हम लोग करवाएंगे तुम्हारी शादी। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे गड्ढे में गिराने का पूरा प्लान बनाकर ही आए हो ना? गड्ढे में गिराने के लिए नहीं, हनीमून पे भेजने के लिए।